गुलफ्शा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। भारत पहुंचे 4 चिनूक हेलीकॉप्टर, साल के आखिर में हो सकते हैं वायुसेना में शामिल। प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए पूरी हुई तैयारियां, लखनऊ में करेंगी रोड शो। भूख हड़ताल पर बैठे चंद्रबाबू नायडू ने दी पीएम मोदी को चेतावनी, बोले बंद करें ये व्यक्तिगत हमले। जहरीली शराब ने यूपी में मचाया हाहाकार, 116 तक पहुंची मरने वालों की संख्या। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते 2.5 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें की गई रद्द, संघर्ष समिति के संयोजक बैसला को राज्य सरकार ने भेजा नोटिस। बीजेपी के खिलाफ सीधी लड़ाई के मूड में प्रियंका गांधी, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका को कांग्रेस बना सकती है सीएम कैंडिडेट। उरी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे उरी कैंप के पास दिखे 2 संदिग्ध, फायरिंग के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आखिरी T20 मैच में 4 रनों से हारी टीम इंडिया, हरभजन सिंह ने दिनेश कार्तिक के रन ना लेने पर उठाए सवाल। इस साल से IPL में नए रंग में नजर आएंगी राजस्थान रॉयल्स टीम, गुलाबी जर्सी में दिखेंगे खिलाड़ी। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर हुआ रिलीज, स्वच्छता और आम आदमी की शिकायतों का हुआ जिक्र। अधिक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली 99।